ठीक है, अगर आपकी 1-2-3 लाख तक भी रहेंगे यार, तो मैं बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आपके सामने लेके आऊंगा, सारे NITs, सारे ट्रिपल आईटीज खोज के लेके आऊंगा कि यार कौन से ऐसे NIT ट्रिपल आईटीज हैं जो कि यार कम रैंक में आपको मिल सकते हैं। तो यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब मारो। व्हाट्स गुड यू गाइस, दिस इज योर ब्रदर रितिक मेघवानी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज का जो वीडियो है यार वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए यार जिनको आइडिया नहीं है कि उनकी रैंक के अकॉर्डिंग उनको क्या क्या मिल सकता है। ठीक है, मुझे काफ़ी सारे DMs ये आए हैं कि भैया मेरी 70,000 रैंक है, मेरी 80,000 रैंक है, तो क्या मुझे कुछ मिल सकता है? भैया मेरी रैंक जो है वो 80,000 1 लाख पार कर रही है, भैया मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, भैया मैं OBC से हूँ, क्या मुझे NIT GFTI या कोई IIIT मिल सकता है? काफ़ी सारे बच्चों के ऊपर यार ये डाउट आ रहा है अभी कि क्या मुझे कुछ मिलेगा, क्या किस रैंक तक आप सेफ हो? ठीक है, आप जनरल कैटेगरी से हो, आप EW से हो, या फिर आप SC ST किसी भी कैटेगरी से हो, मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कि आपकी जो रैंक है कितनी जानी चाहिए एक सेफ कॉलेज के लिए। तो यार आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कितनी रैंक तक आप सेफ हैं। ठीक है, और यार मैं आपको कुछ ऐसे कॉलेजेस बताऊंगा जो कि यार आपको मिलेंगे आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। तो यार वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यार आपकी जो रैंक है वो 65,000 से लेकर 70,000 के बीच में होनी चाहिए, तभी यार आपको कोई NIT मिल सकता है, या फिर आपको कोई IIIT मिल सकता है, या फिर यार आपको GFTI भी मिल सकते हैं। ठीक है, हम लोग यार बात करेंगे कि कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको मिलेंगे। ठीक है, पहले एक बार हम लोग रेंज कवर कर लेते हैं कि कितने रैंक तक आप सेफ हो। OBC की बात करूं तो यार अगर आपकी 98,000 से 1 लाख तक है रैंक, तो भी यार आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है, आप सेफ हो यार अगर आपकी 98 से 1 लाख तक रैंक है तो। अगर मैं EWS की बात करूं तो यार आपकी 90,000 तक रैंक होनी चाहिए, अगर आपकी 90,000 तक रैंक है यार तो आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है, क्या मिलेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यार SC की बात करूं तो यार आपकी 2.2 लाख तक आपकी रैंक होनी चाहिए, अगर आपकी 2 लाख से 2.5 लाख तक रैंक है तो भी यार चांसेस है कि यार आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ST कैटेगरी की बात करूं यार तो आपको 3 से लेकर 3.5 लाख तक कुछ ना कुछ मिल सकता है। ये यार डिस्प्ले कर रही होंगी सारी चीज़ें, एक बार देखो कि आपकी जो रैंक है इनके आसपास है तो यार आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है। अब यार मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि आपकी जो रैंक है यार उसके अकॉर्डिंग यार कौन से कॉलेजेस अवेलेबल हो जाते हैं। अब यार मैं जनरल कैटेगरी वालों के लिए कॉलेजेस बता दूं कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेजेस हैं अदर स्टेट। ठीक है, होम स्टेट की बात भी करेंगे हम लोग। NIT मणिपुर में यार आपको 62,000 तक देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगर मैं जलंधर की बात करूं यार तो आपकी कट ऑफ जो है वो 52,000 तक जाती है, मगर आपकी 60-70,000 तक है रैंक तो यार आपको कोई ना कोई NIT मिल जाएगा। अगर मैं रायपुर की बात करूं यार तो इसकी थोड़ी सी कम है, 50,000 तक इसकी कट ऑफ जाती है। अरुणाचल प्रदेश में यार आपकी 61,000 तक रैंक जाती है। अगर मैं NIT सिक्किम की बात करूं यार तो आपकी 52,000 तक रैंक जाती है। NIT अगरतला में यार आपकी 74,000 तक रैंक चली जाती है। मिजोरम की बात करूं यार तो आपकी 67,600 तक रैंक चली जाती है। मतलब आप देखोगे अगर आपकी 60,000 रैंक है, 70,000 रैंक है, तो भी यार चांसेस हैं कि यार आपको कोई ना कोई NIT मिल जाए। इन NITs की यार कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाती है। ये मैं अदर स्टेट की बात कर रहा हूं और जनरल कैटेगरी वालों की बात कर रहा हूं। अगर आप OBC, EWS, SC ST कैटेगरी के हो तो भी यार आपको ये सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे। हो सकता है यार इन कॉलेजेस में ST ST वालों को थोड़ी अच्छी ब्रांच मिल जाए, तो यार ये आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। IIITs की बात करूँ यार तो आपको काफ़ी सारे IIITs भी इन रेंज में मिल जाते हैं 60-70,000 में जनरल वालों को। IIIT अगरतला, भागलपुर, मणिपुर, ऊना, इनमें यार आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाती है, तो यार आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अगर आपकी 60-70,000 रैंक है तो भी यार जनरल वालों को अदर स्टेट कुछ ना कुछ मिल जाता है। ठीक है, तो हर साल यार कुछ ना कुछ बच्चों को मिल जाता है 60-70,000 में, तो टेंशन नहीं लेनी है। अब यार होम स्टेट की बात करते हैं तो यार काफ़ी सारे NITs ऐसे हैं यार जिनमें काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ जाती है। ठीक है, मतलब अगर आप जनरल से भी बिलोंग करते हो यार तो 3-4 लाख तक आपको देखने को मिल जाती है। मैं 2-3 एग्जाम्पल दे देता हूँ जल्दी से। ये वीडियो यार जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, आपके लिए बहुत सारा कंटेंट आना है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपकी 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक रैंक है तो भी यार मैं कोशिश करूंगा कि सारे कॉलेजेस आपके सामने ले आऊं। ठीक है, अगर आप जनरल से हो, OBC से हो, सारी कैटेगरी हम लोग कवर करेंगे, तो यार टेंशन नहीं लेनी है, अभी टाइम है थोड़ा सा। तो यार हम लोग भी यार बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है कि आपकी इस रैंक में आप सेफ हो या नहीं, वो आपको बताने के लिए। ठीक है, अगर आप होम स्टेट से हो यार, होम स्टेट में भी यार मैं जनरल वालों की बता रहा हूँ, आपकी NIT मणिपुर में यार 4.5 लाख तक यार आपकी कट ऑफ जाती है। NIT जलंधर में यार आपकी 2.5 लाख तक जाती है। अगर आप यार पंजाब में रहते हैं तो यार आपको 2.5 लाख तक कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर आप मणिपुर में रहते हैं यार तो आपकी 4.5 लाख तक यार आपको NIT मिल जाता है। अगर मैं रायपुर की बात करूं यार तो छत्तीसगढ़ में रहते हो आप तो यार आपको 83,000 तक मिल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो यार 5.5 लाख तक यार यहां की कट ऑफ जाती है जनरल वालों की। अगर आप ST ST से हो तो आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। सिक्किम की बात करूँ यार तो 10.7 लाख तक यार ये NIT आपको मिल जाता है जनरल वालों के लिए।
एनआईटी मिजोरम की बात करूं यार, तो इसमें भी आपको 10 लाख तक यार जनरल वालों के लिए सीट्स होती हैं अवेलेबल। आपको क्या करना है कि आपकी जो रैंक है यार, सबसे पहले एक पेपर लो और उसमें लिखो कि आपकी जो एनआईटी है होम स्टेट, उसमें यार कितनी कट ऑफ जाती है और उसमें आपको क्या क्या मिलता है। आपके स्टेट में यार कौन सा जीएफटी आई है वो लिखो, उसकी कट ऑफ देखो यार उसमें आपको क्या मिल रहा है। क्योंकि यार अगर आपको यार अदर स्टेट में कुछ मिलेगा तो हो सकता है यार आपकी ही एनआईटी में आपको थोड़ा अच्छा मिल जाए कुछ। ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हो सकता है आपको अदर स्टेट में कोई नीचे की ब्रांच मिल रही हो तो आपको होम स्टेट में यार थोड़ा अच्छा कुछ देखने को मिल जाए। पहले यार आपको होम स्टेट देखना है कि आपकी कट ऑफ कितनी जा पा रही है। अब यार मैं उन बच्चों को एक बात बता दूं जिनको यार सीसैप के बारे में नहीं पता है। सीसैप यार जनरली एक स्पॉट राउंड होता है जिनमें यार काफ़ी सारी एनआईटीज में कुछ सीट्स बच जाती हैं, तो यार वो आपकी सीसैप के राउंड के थ्रू फिलअप की जाती हैं। सीसैप में यार जब आज से 3 साल पहले स्टार्ट हुआ था तो यार वो 3 साल पहले किसी को पता नहीं था, तो यार आपकी जो एनआईटी है वो यार 10-10 लाख तक यार जनरल वालों को मिली थी। तो यार ये काफ़ी सही बात थी उस टाइम पे, लेकिन अभी के टाइम पे यार काफ़ी लोग अवेयर हो गए हैं तो भी यार इसकी कट ऑफ 1 लाख तक चली जाती है। ठीक है, मैं आपको कुछ एनआईटीज बता रहा हूँ यार जिनकी कट ऑफ 1-1 लाख तक गई है। तो यार इससे भी आपको एक आइडिया लगेगा कि अगर आपकी 60-70 हज़ार 80 हज़ार 1 लाख तक भी रैंक है तो हो सकता है यार आपको 7th राउंड तक शायद कुछ ना मिले, सीसैप में आपको कुछ देखने को मिल जाए। तो मैं आपको एक जस्ट आइडिया दे देता हूँ कि सीसैप में आपको कौन से एनआईटीज मिल सकते हैं। NIT मेघालय की यार 1 लाख तक इसकी कट ऑफ गई थी, NIT सिलचर की 57,000 तक गई थी, अगरतला में यार आपको 1 लाख तक रैंक देखने को मिल गई थी। जनरल वालों की बात कर रहा हूँ, अगर आप OBC ST SC से हो तो यार आपकी रैंक जो है अगर ज़्यादा भी है तो भी यार चांसेस है कि आपको कुछ ना कुछ मिल जाए। आपको NIT मणिपुर देखने को मिल जाता है यार 1 लाख तक, आपको NIT सिक्किम देखने को मिल जाता है 99,000 तक, NIT श्रीनगर आपको 1 लाख तक देखने को मिल जाता है, NIT मिजोरम नागालैंड ये सब यार आपको 1 लाख के आसपास देखने को मिल जाते हैं सीसैप राउंड में। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है यार, अगर आपकी 80,000-90,000 रैंक भी है तो भी यार आप मान सकते हो कि यार अभी नहीं तो मुझे सीसैप राउंड में कुछ ना कुछ मिल सकता है। और मैं बात करूँ यार IIITs की, तो आपको IIIT मणिपुर 80,000 तक देखने को मिल जाता है सीसैप राउंड में, IIIT अगरतला आपको यार 60,000 तक देखने को मिल जाता है, IIIT धरबाद आपको यार 55,000 तक देखने को मिल जाता है, IIIT ऊना आपको 55,000 तक देखने को मिल जाएगा, IIIT रांची आपको 50,000 तक देखने को मिल जाता है, IIIT भागलपुर आपको 77,000 तक देखने को मिल जाता है सीसैप राउंड में। तो यार क्लियर कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो 65,000-70,000 तक रैंक है तो यार आप सेफ जोन में हो, आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है। ठीक है, अगर आप OBC कैटेगरी से हो, आपकी 98,000 से लेकर 1 लाख तक रैंक है तो भी यार चांसेस है कि जोसा काउंसलिंग में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर EWS के हो 90,000 तक सेफ हो, SC कैटेगरी हो तो 2.2 लाख तक आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आप ST से हो तो यार 3.3 लाख तक आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है। होम स्टेट की बात करूं ST SC वालों को यार 4-5 लाख तक काफी कुछ मिल सकता है। सो गाइस इस वीडियो से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि यार आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या मिल सकता है। ठीक है, बाकी यार बहुत सारा कंटेंट आना है। ठीक है, अगर आपकी 1-2-3 लाख तक भी रहेंगे यार तो मैं बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आपके सामने लेके आऊंगा, सारे NITs सारे IIITs खोज के लेके आऊंगा कि यार कौन से ऐसे NIT IIITs हैं जो कि यार कम रैंक में आपको मिल सकते हैं। तो यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब मारो, हो सकता है यार कि आपको आज ही के दिन यार CSE की यार टॉप 31 NITs की कट ऑफ देखने को मिल जाए। ठीक है, तो बेल आइकन दबा के रख लेना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।